जी अंकल टिकट कितने की है? 50 रुपए जाने के, 85 आने के एक आदमी का। और अगर आपने उधर स्टे करना है सुबह 9 बजे तक से लेकर 7:30 बजे तक इसी टिकट पे वापस आ सकते हैं। अच्छा, ये मतलब रिटर्न टिकट है। ठीक है, यानी कि 50 आने के 50 जाने के। जी जी ठीक है, वापसी आपकी मर्जी। बच्चे का 6 साल तक का बच्चा फ्री है। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, मेरा नाम कामरान है और आप देख रहे हैं के खान्स ग्लोब। आज मैं कामरान मिर्ज़ा की बारात दरी की तरफ आया हूं और ये दरियाए रावी के बिल्कुल वस्त में वाक़ है। आज मैं आपको बताने लगा हूं कि कामरान मिर्ज़ा कौन था और उसने ये बारात दरी क्यों तामीर करवाई थी, और इस बारात दरी से जुड़ी चंद तल्ख यादों के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए बारात दरी की सैर करते हैं। बारादरी 12 दरवाज़ों के घर को कहा जाता है। कामरान की बारादरी लाहौर में तामीर की जाने वाली पहली मुगलिया इमारत है। ये लाहौर में मौसम गर्मा के लिए बनाई जाने वाली एक बारादरी है। कामरान मिर्ज़ा मुगलिया सल्तनत के बानी मुग़ल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर का दूसरा बेटा था। वो मुग़ल तख्त के वारिस नसीरुद्दीन हुमायूं का सुतेला भाई था, जबकि बाबर का तीसरा बेटा अस्करी मिर्ज़ा उसका सगा भाई था। कामरान की बारादरी दरियाए रावी के पुल के पास वाक़े है। कामरान ने 1535 से लेकर 1540 तक लाहौर पर हुकूमत की। बाज़ मौरिखीन के मुताबिक ये गालबन 1540 में तामीर हुई। बारादरी दरियाए रावी से तकरीबन 2 मील दूर थी, लेकिन औरंगज़ेब के दौर में दरिया ने अपना बहाव बदला तो बारादरी पानी में आ गई और अब ऐसा महसूस होता है कि यह दरिया में एक छोटा सा जजीरा है। बारादरी एक बाग का हिस्सा थी जो कामरान ने तैयार करवाया था। आजकल इस बारादरी तक पहुंचने के लिए कश्तियों में बैठकर आना पड़ता है। इस बारादरी से एक बात ज़ाहिर होती है कि मुगलिया दौर की इमारतें इंजीनियरिंग का शाहकार हैं, क्योंकि दरियाए रावी जो माजी में बहुत तेज़ बहाव रखता था आज तक इस बारादरी की बुनियादों को कमज़ोर ना कर सका। बाबर के बाद मुगलिया सल्तनत का वारिस कामरान मिर्ज़ा का भाई नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बना। हुमायूं ने फराग दिली से ये इलाका अपने भाई कामरान मिर्ज़ा को दे दिया, मगर ये भाई हमेशा उसका दुश्मन बना रहा। अगरचे हुमायूं पर अपने बागी भाई को सजाए मौत देने पर दबाव था, लेकिन वो इस बात पर कायल हो गया था कि उसे कुछ सजा दी जाए, जिस पर उसे अंधा कर दिया गया। इसके बाद हुमायूं ने हज के लिए कामरान को मक्का रवाना कर दिया, जहां 1557 में वो इंतकाल कर गया। इसी बारादरी में शहनशाह जहांगीर के पास बगावत करने वाले उनके बेटे खुसरो और उनके साथियों को गिरफ्तार करके लाया गया था। जंजीरों में जकड़े बेटे और दीगर बागियों को जब जहांगीर के सामने पेश किया गया तो उसने बागियों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया और अपने बेटे खुसरो की आँखें निकालने का हुक्म सादिर किया, और साथ ही ये तारीखी जुमला कहा कि बादशाह का कोई रिश्तेदार नहीं होता। उसके बाद कामरान की बारादरी से किला लाहौर तक रास्ते में 300 के करीब खुसरो के साथियों को फांसी पर लटकाया गया और उनके दरमियान से घसीटकर खुसरो को किला लाहौर ले जाया गया और नाबीना कर दिया गया। बाद में किला लाहौर ही में खुसरो की मौत वाक़ हो गई। जी इस वक्त हम बारादरी के अंदर दाखिल हो चुके हैं, तो ये बारादरी का विज़िट करें आप, देखें अंदर से। आप कहाँ से इधर ही रहते हैं? इधर ही बारादरी में रहते हैं? मैं नहीं, बाहर। किसमें? कहाँ पे? फरकाबाद। ठीक है, सही है। तो रोज़ आते हो यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, जब टाइम लगता है इधर आ जाते। तो रोज़ यहाँ पर रश होता है लोगों को? हाँ जी। तो ये सफाई वगैरह क्यों नहीं होती? ये इसी तरह से? हाँ जी। कोई सफाई यहाँ पर नहीं, क्यों वजह? किसी को सफाई करते हुए देखा है आपने? नहीं। तो यहाँ पर कोई कैंटीन वगैरह है? कैंटीन नहीं। कैंटीन भी नहीं? ये बस रेड़ी ही खड़ी है। और ये जैसे ये पानी जो खड़ा है, ये बड़ा गंदा बारिश का पानी ये भी निकालता भी नहीं। ये मुझे बारादरी में एक बच्चा मिला है अब्दुल्ला, और ये अब्दुल्ला कुछ कहना चाह रहा है। जी बेटा क्या कहोगे? मैं सिद्धू मूसेवाले का फैन हूं, उसका ऊंची आवाज में बोल। सिद्धू मूसेवाले का फैन हूं, उसका गाना गाना चाहता। अच्छा, ऊंची आवाज में गाना, चलो
ਦਸ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੱਡ ਦੋਣ ਦਾਸ ਤੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਵੋਣ ਬਾਸ ਤੋ ਅਜਰ ਤੇਰੇ ਵਾਜੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਚੱਕੀ ਫਰਿਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਏ ਵੋਣ ਬਾਸ ਤੋ ਚੁੱਪਰਾ ਨੀ ਪਿੱਤਰਾ ਨੀ ਪੇਟ ਗੋਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਵਜ਼ੀਜ਼ਿਆ ਇਲਾਕੇ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ और ऊपर जाने के लिए मुझे सीढ़ियाँ मिल गई हैं यहाँ से ऊपर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टीप हैं ये बारादरी है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दीवारों का क्या हाल है यहाँ पे लोगों ने पते लिखे हैं और मोबाइल नंबर ये छत पे जाने के लिए रास्ता यहाँ से जाते हैं थोड़ी देर बाद मैं आपको अंदर से इसका विज़िट करवा दूँ ये अगेन यहाँ से नीचे जाने का रास्ता तो अभी चलते हैं जी ऊपर ये छत पे जाने का रास्ता है तो जनाब इस वक्त मैं मौजूद हूँ बारादरी की छत के ऊपर ये आप देख सकते हैं आसपास और साथ ही दरिया है दरिया रावी और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ये बारादरी के साथ ये बाग है जहाँ पे ये बच्चे भी खेल रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों मुझे कैंटीन वगैरह या खाने पीने की कोई चीज़ बोतल वगैरह या पीने के लिए पानी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आया तो जब आप यहाँ पर आएँ तो अपने साथ पानी की बोतल वगैरह खाने पीने की अशिया ज़रूर साथ लेकर आएँ क्योंकि आपने कश्ती में आना होता है यहाँ पे दरिया के पार पार्किंग मौजूद है जहाँ पे आप अपनी बाइक और गाड़ी खड़ी कर सकते हैं लेकिन वहाँ से सामान लेके आप कश्ती में आएंगे यहाँ पर लेकिन यहाँ पे कोई इंतज़ाम यहाँ पे कैंटीन मुझे नज़र नहीं आई चना चाट की छाबड़ी लगी हुई है और शिकन बीन की वहाँ पर सहूलत तो मौजूद है इसके अलावा मुझे कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आया लिहाजा जो भी चीज़ है खाने पीने की वो साथ आप लेकर आएँ अगर बारादरी की मौजूदा सूरत हाल का ज़िक्र किया जाए तो ये गलत ना होगा कि यहाँ पे सफाई के इंतज़ाम ना होने के बराबर हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पानी खड़ा हुआ है यहाँ पर और इंतहाई गंदा पानी है और यहाँ से स्मेल भी आ रही है और नो डाउट लोगों का काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्रिकेट भी खेल रहे हैं और मेरे पीछे अगर आप बारादरी में देखें तो वहाँ पर बच्चे जो हैं यंगस्टर्स जो हैं वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो यहाँ पर ये हालात हैं और बारादरी की अगर आप दीवारों का जिक्र करें तो दीवारों के ऊपर जगह जगह तहरीरें लिखी हुई हैं जो कि बारादरी की जो खूबसूरती है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है और यहाँ पे एक बिल्डिंग ये भी है और ये कोई भूत बंगला सा नज़र आ रहा है दूर से मैंने देखा तो शायद मुझे लगा कि यहाँ पे कोई कैफ़े होगा लेकिन ये हालत है इसकी ये क्या है भाई ये क्या चीज़ है नहीं बारादरी का क्या हिस्सा है ये इधर वो बादशाह रहते हैं अच्छा किधर गए बारादरी की मुकम्मल सैर के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर यहां पर सफाई के बेहतरीन इंतज़ाम किए जाएं तो नो डाउट ये एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है क्योंकि यहां पर मैंने देखा है लोगों का काफ़ी रश था काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे यहाँ पर और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर लोगों के लिए एक कैफेटेरिया की सहूलत मैसर हो जाए तो इससे गवर्नमेंट रेवेन्यू भी जनरेट कर सकती है और लोगों के लिए भी एक ये सहूलत मैसर होगी और यहाँ पर दरख्त और सब्ज़ा काफ़ी मौजूद है जिसकी वजह से जिस तरह लाहौर शहर में आपको गर्मी का एहसास होता है तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी बेहतर है गर्मी में भी क्योंकि अभी हम अगस्त के महीने में यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं लेकिन यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी बेहतरीन है और ये हमारा तारीखी विरसा भी है और इसकी हिफाज़त भी की जानी चाहिए इसी के साथ ही मैं आज का व्लॉग एंड करना चाहूँगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो
तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मज़ा आया बारादरी में? कितना? बस चलो चलो चलें फिर घर, चलो आगे। और हमारा वापसी का सफ़र शुरू होने लगा है। हम कामरान की बारादरी से वापस जा रहे हैं। ये कितने बजे तक डिलीवरी? 7 बजे तक।